दोस्तों टेक टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने Redmi के फोन में D&D मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार होता है हम मीटिंग्स में हैं या कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं और तब फोन आते हैं या मैसेज आते हैं और उनके रिंगटोन से हमें बार बार डिस्टर्बेंस होता रहता है। ऐसे इंपॉर्टेंट समय में किस तरह हमें हमारा फोन डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हमें D&D मोड को एक्टिवेट करना होता है। तो दोस्तों फोन में किस तरह D&D मोड एक्टिवेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। D&D मोड के एक्टिवेट करने से दोस्तों आपके फोन में जो भी रिंगटोन है और जो भी नोटिफिकेशन टोन है वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। जो भी कॉल आएंगे या फिर जो भी मैसेजेस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं सुनाई देंगे D&D मोड के एक्टिवेट होने की वजह से। तो कैसे आप इसे एक्टिवेट करते हैं चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों Redmi के फोन में D&D को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर की तरफ से स्वाइप डाउन करिए और इसको एक्सपांड कर लीजिए और स्वाइप लेफ्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ तीसरे नंबर पे D&D मोड मिल जाएगा। हो सकता है आपके में थोड़ा आगे पीछे हो तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए इस पर आप टैप करिए। टैप करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉल्स एंड नोटिफिकेशन विल बी साइलेंस्ड। तो दोस्तों जब तक D&D मोड एक्टिवेट होगा आपका फोन साइलेंट मोड में होगा। D&D मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए वापस D&D पर टैप करिए तो आपके फोन का D&D मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने रेडमी के फोन में D&D मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरे फोनों में भी लगभग ऐसा ही आजकल आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिलता तो सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।